हेलो फ्रेंड्स, कोडकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लड्डू गोपाल जी को डेकोरेट करने के लिए एक बहुत ही इजी आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स जो काफ़ी मजबूत है। इसके लिए आपको इस तरीके का ये एक बॉक्स चाहिए। इसकी विड्थ इससे ज़्यादा नहीं हो जितनी मैंने ली है, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स नहीं है तो आप थर्माकोल के पीसेस को जोड़कर भी इस तरीके की शेप बना सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं अब करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर की शीट ली है। आप चाहें तो इसकी जगह फैब्रिक भी ले सकते हैं। शीट से मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप दोनों तरीके यहाँ पर जान जाएँ। और इसको मैंने कटिंग कर लिया है, और इसको हम जैसे हम कोई गिफ्ट रैप करते हैं उस तरीके से मैंने इसको रैप करने के अकॉर्डिंग ये शीट काट ली है। और ये देखिए, इसी तरीके से साइड्स में से इसको दबा दबा के हम जैसे गिफ्ट रैप करते हैं उसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको आप टेप से भी चिपका सकते हैं, फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लूगन ही यूज़ कर रही हूँ, ग्लूगन से ही इसको चिपका रही हूँ। इसको पूरा का पूरा चिपकाने के बाद नीचे की तरफ भी एक गोल्डन पीस काट कर हम लगा देंगे, और इस तरीके से हमारा ये बॉक्स जो है वो गोल्डन कलर की शीट से कवर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको फैब्रिक से भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको शीट को कवर कर लिया। इस शीट से कवर करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम आगे का काम करेंगे। आगे के काम के लिए मैंने ये गोल्डन सिल्वर कलर का एक ये फैब्रिक लिया है, और इससे हम कुशंस बनाएंगे। तो मैंने 10x5 इंचेस का मेज़रमेंट लिया है। हमें मतलब 5 इंचेस का कुशन रेडी चाहिए। तो 5 इंचेस के कुशन के लिए उसकी जो लंबाई है वो 5 इंच और चौड़ाई हमने 10 इंच ले ली, क्योंकि हम उसको फोल्ड करेंगे और उसको सिलेंगे या चिपकाएंगे, फिर उसके अंदर रुई भरेंगे। तो इस तरीके के हमें 2 कुशन तैयार करने हैं। तो हम ऐसी 2 पट्टियाँ काट लेंगे। 2 पट्टियाँ काट कर ये देखिए, कुछ इस तरीके के ये हमारे पास पीस आ जाएंगे। अब चाहें तो आप इसको 2 तरफ से सिल सकते हैं। एक तरफ से तो ये जुड़ा हुआ है ही, 2 तरफ से आप इसको सिल सकते हैं, या फिर जैसे मैं यहाँ पर ग्लूगन से चिपका रही हूँ इस तरीके से आप इसको चिपका सकते हैं। ये बहुत जल्दी वाला काम है, लेकिन ग्लू जो है वो काफ़ी गर्म होती है, तो आप उसको हाथ से ना छूएं। इस तरीके से लगा कर कपड़े को उसके ऊपर रख कर किसी पेन या पेंसिल से ही उसको दबाएँ। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हम इसको ग्लू से थोड़ा सा चिपका देंगे और थोड़ा सा हिस्सा खुला रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये सूख जाएगा तो हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, जैसे हम कुशन को सिल के पलटते हैं। तो हमारा ये इस तरीके से स्क्वायर शेप का एक कुशन आ जाएगा, और जो हमारा खुली हुई साइड है वहाँ से हम इसके अंदर रुई भरेंगे। आप चाहें तो रुई भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉलीफाइबर भरी है। ये देखिए, जितना भी मोटा पतला कुशन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर पॉलीफाइबर भर दीजिएगा। एक बारी जब आपको लगे कि हाँ, अब आपका कुशन पूरी तरीके से सही सेट हो गया है, तो ऊपर की तरफ से थोड़ा फोल्ड करके और ग्लूगन लगाकर इसको यहाँ पर भी हम चिपका देंगे, या फिर आप सिलाई से भी ये काम कर सकते हैं सुई धागे से। तो देखिए, ऐसे हमने ये 2 कुशन तैयार कर लिए। अब हम दोबारा से फैब्रिक काटेंगे। अब हम गोल कुशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 15x20 सेंटीमीटर का नाप लिया है। ये मैंने नाप लिया है जितना कि हमारी डब्बे की चौड़ाई है, चौड़ाई से मतलब जो उसकी ऊंचाई है, उतना मुझे इस ये गोल वाला कुशन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी ऊंचाई है आप उसके अकॉर्डिंग नाप ले सकते हैं। और फिर ये देखिए, एक तरफ से हमने जो है कच्चा करना स्टार्ट किया, और पूरा एक साइड कच्चा करने के बाद उसको हम जो है इस तरीके से प्लीट्स दे देंगे। प्लीट्स देने के बाद इसको पहले वाले सिरे से लाकर अच्छी तरीके से सिल देंगे। तो जैसे गोल कुशन में हमारा होता है एक साइड से बिल्कुल खिंचा हुआ होता है और फिर अंदर से वो फूला हुआ होता है, इसी तरीके से हमारे ये कुशन बनेंगे। उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा है उन दोनों सिरों को आपस में मिलाकर सीधा सीधा हम उसमें कच्चा टांका लगा लेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पर हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अच्छी तरीके से सुई धागे की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से सिल देंगे। उसको वहीं पर एक गांठ भी लगा देंगे, और उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा है उस पर पूरे पर हम कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद इसको हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद ये देखिए, इसको जब हम पलटेंगे तो ये हमारा कुछ इस शेप में दिखाई देगा। इस शेप में आने के बाद अब हम इसके अंदर पॉलीफाइबर भरेंगे। मेरा ये कपड़ा जो है एक तरफ से देखिए उसमें सिलाई लगी हुई है, तो जब पूरा भरने के बाद हम ऊपर सिलाई करेंगे तो मुझे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कपड़ा काट के बनाया है और वहाँ पर जो है वो
छोटे छोटे उसके रेशे दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसे कपड़े की जो किनारी है उसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। और इसमें भी हम पूरे में कच्चा करके और उसी तरीके से खींच देंगे, तो ये भी हमारा पूरा रुई जो है इसके अंदर बंद हो जाएगी। और फिर हम इसमें इस तरीके से इसको पहले वाले हिस्से से जोड़कर इसको जो है इसमें टांका लगा देंगे। इसी तरीके से हमें ये गोल कुशन भी दो तैयार कर लेने हैं। दो हमने स्क्वायर शेप के कुशन तैयार कर लिए हैं बड़े बड़े, और दो हमने ये गोल कुशन तैयार कर लिए हैं जितनी हमारी उस बॉक्स की ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सामान आपको तैयार कर लेना है। बेसिक हमारा तैयार हो गया है, इसके बाद अब हम इसका डेकोरेशन का काम करना है, वो देखिए अब हम कैसे करते हैं। ये देखिए दो हमारे कुशन और दो हमारे ये स्क्वायर वाले कुशन हैं। अब इसके लिए मैंने ये लेस ली है। अगर आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड पैचेस भी ले सकते हैं, पर लेस थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो देखिए इसमें से लेस में से जब हम इस ये ऐसी लेसेस होती हैं इसमें से कटिंग करके आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये पीकॉक है बना हुआ, इसमें से मैंने इसको कटिंग करके अलग निकाल दिया। इसी तरीके से मैं इसमें से 7-8 जो हैं पीकॉक को अलग अलग निकाल लूँगी। अब हमें कुशन पे इन पैचेस को सेट करना है। आपका मन है तो आप एक पीकॉक लगा सकते हैं, आपका मन है तो आप दोनों एक ही तरफ मुंह करे हुए लगा सकते हैं। मैंने देखिए ये इस तरीके से सेट किए हैं कि एक पीकॉक ऊपर की तरफ एक का मुंह है और एक पीकॉक का नीचे की तरफ मुंह है। इस तरीके से एक बार जब सेटिंग हो जाए आपकी तो आप उसके ऊपर ग्लू गन लगा कर इसको इस तरीके से चिपका दीजिए। इसी तरीके से आपको दूसरे कुशन पे भी दोनों पैचेस लगा लेने हैं, तो आपके ये दो कुशन इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब जो हमारा ये बॉक्स है जिस पे हमने गोल्डन शीट लगाई थी उस पर भी हम ये पीकॉक के पैचेस लगाएंगे, क्योंकि ये लेस में से कटे हुए हैं तो इनका दोनों का मुंह एक तरफ है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं इनको इस तरीके से लगा रही हूँ। एक का मुंह थोड़ा नीचे की तरफ है और एक का मुंह ऊपर की तरफ है। ये सेटिंग कैसे करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है और आपकी लेस के डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। ये भी हमारा हमने पैचेस लगाकर इसको रेडी कर लिया। अब हमारे जो गोल कुशन है उसके हिसाब से ये पैच बहुत बड़ा है। पहले मैंने सोचा कि इसको कटिंग करके लगाऊं, लेकिन फिर देखिए मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट किया, इसको आगे लगाया और जो मोर के पंख हैं वो साइड में ऐसे ही रहने दिए, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दिया इसने बाद में। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर चिपकाया। इस तरीके से ही हम अपने दोनों कुशन पर पीकॉक चिपका लेंगे। एक का मुंह वही नीचे और एक का मुंह ऊपर किया मैंने, और ये एक थोड़ी हैवी पर्ल की लेस है जो मैं इन कुशन के ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर आप कोई गोटा पट्टी की लेस भी लगा सकते हैं, कोई पॉम्पम वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना है, क्या डिज़ाइन रखना है। मैंने उसको पूरा गोल्डन और सिल्वर और पर्ल में ही रखा है। तो इस तरीके से हमारे ये सारी चीज़ें अब रेडी हो गई। अब इसको सिर्फ असेंबल करना है। कहीं भी जहाँ पे भी आपको लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है वहाँ पर दीवार के सहारे या जहाँ पे भी मंदिर है आपका वहाँ पर इसको लगाइए इस तरीके से, और अपने लड्डू गोपाल जी को इस पर बैठा दीजिए। मैंने यहाँ पर प्रतीक के रूप में एक डॉल के लड्डू गोपाल जी बनाकर रखे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वुडन झूला आप कैसे सजा सकते हैं। तब तक के लिए बाय।